तो आखिरकार जो जियो सिनेमा है वो अब ड्रामे डालना शुरू कर चुका है, तो कौन कौन से ड्रामे आए हैं और कौन कौन से ड्रामे इस हफ्ते आपको देखने मिलने वाली, और इसके अलावा कौन कौन से कोरियन और चाइनीज ड्रामे आए हैं और आने वाली, इन सभी की जानकारी मैं देने वाली हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, पसंद है तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार सा कमेंट करें या फिर हमेशा की तरह आप गुलाबी दिल भी दे सकते हो। तो आओ शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं जो स्ट्रीम हो रही है उसके बारे में। तो अगर आप लोग गोटे क्रश ऑन यू चाइनीज ड्रामे देख रहे थे सी ड्रामा महल यूट्यूब चैनल से, तो इसका पूरा एपिसोड डल चुका है, अब जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हो अगर तुम लोग इसके पूरे एपिसोड को आने का वेट कर रहे थे तो। और जो लोग लव टेम्परेचर के नए एपिसोड के लिए वेट कर रहे थे तो उनको बता दूं इसका जो नया एपिसोड है यानी कि 5 से लेकर 10 तक जो एपिसोड है वो डल चुकी है, तो वेट करें तो आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अब जो अगला स्ट्रीम हो रही है वो है जस्ट टू सी यू चाइनीज ड्रामा, जो कि प्लेफ्लिक्स पे पूरे 40 एपिसोड के साथ स्ट्रीम हो रही है। तो अगर इस चाइनीज ड्रामे को देखने के लिए वेट कर रहे थे तो आप इसको प्लेफ्लिक्स से चेकआउट कर सकते हो। अगला जो कि स्ट्रीम हो रही है वो है बैड प्रोसिक्यूटर कोरियन ड्रामा, जो कि जियो सिनेमा पे पूरे 12 एपिसोड के साथ स्ट्रीम हो रही है। ये जो ड्रामा है एक्शन मिस्ट्री कॉमेडी लॉ पे बेस्ड है, यदि आप इस ड्रामे को देखना चाहते हो तो इसको आप जाकर के जियो सिनेमा से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे पुराने ड्रामा जैसे कि परफ्यूम और इसके अलावा डॉक्टर प्रिजनर, ये भी स्ट्रीम हो रही है जियो सिनेमा पे, जो कि ऑलरेडी एमएक्स प्लेयर और प्लेफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो एक अच्छी डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, या फिर नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बैड प्रिस्क्रिप्टर को जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बता दूं कि ये फ्री में वहां पे स्ट्रीम हो रही है, यानी कि इसको देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने जरूरत नहीं है। और आज आपको एक तुर्किश ड्रामा अमेज़न मिनी टीवी पे देखने मिलने वाली है जिसका नाम है ड्रीम एंड रियलिटीज। हो सकता है जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक मैं वीडियो डालूं तब तक ये हो सकता है मिनी टीवी पे आ भी गई हो। तो अगर आप तुर्किश ड्रामे देखना पसंद करते हो तो इसको वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगला जो कि आज ही आपको देखने मिलने वाले कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है क्यूट बॉडीगार्ड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था और अपने टेलीग्राम पे अपडेट करके आपको बताया था कि ये 27 मार्च से आपको देखने मिलने वाली है। तो आज ये ड्रामा आपको सी ड्रामा महल पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिलेगी। ड्रामे के अंदर आपको टोटल 24 एपिसोड देखने मिलेंगी और इसकी जो एपिसोड है आपको डेली बेसिस पे देखने मिलेगी। तो अगर इसको देखने के लिए वेट कर रहे थे तो आज से ये देखने मिल जाएगी। जैसे ही डलेगी इसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, नहीं हो टेलीग्राम पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्वाइन कर लेना। अब अपना अगला अपडेट है जो कि जियो सिनेमा पे आने वाली है कोरियन ड्रामा उससे रिलेटेड, जो कि कॉमेडी रोमांस सुपरनेचुरल पे बेस्ड है जिसका नाम ब्लेड मैन। ड्रामे के अंदर आपको टोटल 18 एपिसोड देखने मिलेगी जिसकी रन टाइम 1 घंटे के अराउंड में रिप्रेजेंट करी जाएगी और ये जो ड्रामा है इसी हफ्ते से आपको जियो सिनेमा पे देखने मिलने वाली है। अगला ड्रामा जो कि आपको इस वीक देखने मिल सकती है जिसका नाम है द लव कैफे, और ये जो ड्रामा है कॉमेडी लॉ रोमांस पे बेस्ड है जिसके अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड देखने मिलने वाली है और इसकी भी हिंदी डबिंग का वर्क है कंप्लीट है और ये ड्रामा भी रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस वीक किसी भी दिन मतलब ये ड्रामा आपको देखने मिल जाएगी जियो सिनेमा पे हिंदी डब लैंग्वेज में। इसके अलावा और भी कोरियन ड्रामा है जो कि जियो सिनेमा पे आने वाली है, तो अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो आप इस वाले वीडियो को देख लेना, इसमें जो भी ड्रामा आने वाले जियो सिनेमा पे उसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय जय हिंद।